Subscribe my channel, click on that red subscribe button and hit on that bell icon to see my latest videos fast. हाय, मैं हूँ रूपा बारुई, मैं डाइटिशियन हूँ. मैं मेरी चैनल पे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ. आज मैं आपके साथ PCOD लेके डिस्कस करने वाली हूँ. PCOD का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसको PCOS भी बोलते हैं, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. PCOD एक्चुअली में एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसमें ओवरी के आउटर एज में सीस्ट जमा होता है. एक्चुअली सीस्ट है छोटा छोटा थली जैसा जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, और हमारे ओवरी का जो नॉर्मल साइज है उससे PCOD ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें सीस्ट रहता है. अभी PCOD एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है. ये 12 से 45 किसी भी एज ग्रुप के महिलाओं को हो सकती है. अभी PCOD के कॉज क्या है या फिर PCOD कैसे होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको. नॉर्मली हमारा जो ओवरी है उसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है और बहुत ही कम अमाउंट का मेन सेक्स हार्मोन एंड्रोजेन लाइक टेस्टोस्टेरॉन ये प्रोड्यूस होता है. फीमेल सेक्स हार्मोन ओवरी के अंदर एक के नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और एक का ओवुलेशन करता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में. अभी एक का ओवुलेशन मतलब क्या है, महिलाओं के हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक ओवरी से बाहर आ जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन. पर जिनको PCOD रहते हैं उनके ओवरी में मेन हार्मोन मींस एंड्रोजेंस लाइक टेस्टोस्टेरॉन ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. इसके कारण उन लोगों के ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है, और उनको इसके साइड इफेक्ट के द्वारा उनका वेट बढ़ जाता है, उनको पिंपल्स आने लगता है, फेशियल हेयर आने लगता है, हेयर लॉस भी हो सकता है. ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम एक एक करके आना शुरू हो जाता है. PCOD ओवरी के जो सीस्ट रहता है वो एक टाइप का थली जैसा होता है, सैक्स जैसा होता है, उसके अंदर वही एक रहता है जो मैच्योर नहीं होता है और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ निकल नहीं सकते हैं. वही एग एक्चुअली वो सेक्स के अंदर जमा होता है और वो सीस्ट बन जाता है और ओवरी साइज में बड़ा होते जाता है. अभी मैं PCOD के सिम्टोम के बारे में बोलूँगी. PCOD के सिम्टोम एक एक महिलाओं में एक एक टाइप का होता है, सबका सिम्टोम्स अलग अलग होता है, सेम सिम्टोम्स नहीं दिखाई देगा आपको. तो क्या क्या सिम्टोम्स होता है PCOD के वो हम देख लेते हैं. ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, कॉन्सीव करने में डिफ़िकल्टी होता है, रुक रुक के पीरियड्स आता है, और किसी का हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है, एक्ने होता है, वेट गेन होता है, फेशियल लेयर आ जाता है, डिप्रेशन होता है, गर्दन में काला धब्बा दिखाई देता है. और इसका अगर हम ठीक से ट्रीटमेंट ना करें तो डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज जैसे बीमारी भी हो सकता है. PCOD जेनेटिक है, मतलब अगर आपके फैमिली के किसी को भी PCOD, डायबिटीज, इरेगुलर पीरियड ये सब का प्रॉब्लम है तो आपका PCOD होने का चांस बढ़ जाता है. अभी PCOD में एक कॉमन जो प्रॉब्लम रहता है वो है PCOD जिनको रहता है
उनके बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है। अभी हमको जानना पड़ेगा कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में शुगर से मींस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं इंसुलिन ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट जिनको पीसीओडी रहते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब है आवर बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन। तो क्या होता है, ऐसे नॉर्मल किसी को शुगर से एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन लगता है, पर जिनको पीसीओडी है उनका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इसीलिए वही थोड़ा सा शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन चाहिए होता है। तो इसीलिए उनके बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा करके और भी इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका इसीलिए एक मेन प्रॉब्लम जो रहता है, वेट कम नहीं होता है, वेट गेन होते रहता है। अगर वो लोग वेट कम करना चाहते भी हैं तो उनके लिए वो रियली में प्रॉब्लमेटिक और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंसुलिन के मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन मींस मेल हार्मोन भी ज़्यादा ज़्यादा करके प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये जो हार्मोनल इंबैलेंस हो गया इसको ही एक्चुअली में पीसीओडी बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, हमारे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, और हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट के लिए हमारा जो ग्लूकोज हम कार्बोहाइड्रेट हम बाहर से ले रहे हैं उस वो एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है। और थर्ड नंबर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में मेल हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट जिसका जैसा सिम्टम्स है उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब उसके सिम्टम्स के ऊपर ही उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे किसी का अगर कॉन्सीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। अगर किसी का पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। किसी का एक्ने का प्रॉब्लम है तो एक्ने का ट्रीटमेंट होता है। किसी का फेशियल हेयर का प्रॉब्लम है तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मतलब डाइटिशियन उनके पीसीओडी पेशेंट को ऐसा डाइट देते हैं जिनको फॉलो करके पीसीओडी पेशेंट के बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है उनको वो इम्प्रूव होता है। उनको हम वो इंसुलिन रेजिस्टेंट को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, पर हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके लिए तीन चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज करना है, हमारा बॉडी वेट मेंटेन रखना है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमको कंज्यूम करना है। ऐसे बहुत लोग होता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है पर फिर भी उनको पीसीओडी है, उनके लिए भी वेट मेंटेन करना और लो जीआई फूड इंटेक करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों फॉलो करके ही उनके बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन हाई हो जाता है तब पीसीओडी का जो भी सिम्टम है वो और भी ज़्यादा करके निकल के आता है। जिसको जो भी सिम्टम है वो और भी खराब हो जाता है, वो और भी बढ़ जाता है। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम कर सकते हैं तो वो जो सिम्टम्स है पीसीओडी का उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट है आपका वेट कैसे कम कर सकते हैं। वेट कम करने के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको अगर चाहिए तो उसका लिंक इस वीडियो के राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, उधर से डायरेक्टली वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो वेट लूज करने के लिए मैं हमेशा ही जो बोलती हूँ वो है आपको
पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। आपको थोड़े थोड़े देर में सही पोर्शन में आपको खाना खाना है और आपको रियलिस्टिक गोल रखना है। मींस मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि मैं एक मंथ में 10 kg वेट लॉस कर लूँगी, ये एक्चुअली रियलिस्टिक नहीं होता है। हमको रियलिस्टिक गोल रखना है जो हम अचीव कर सके, अचीवेबल गोल हमको रखना है। जैसे हम वीकली 500 to 1 kg वेट कम कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हम मंथ में 2 to 3 kg वेट कम करेंगे, ऐसा गोल हम रख सकते हैं। वेट लूज करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को टोटली स्टॉप करना है, पर एक्चुअली में ये ठीक नहीं है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से ही मेन एनर्जी मिलता है। अभी हम अगर कार्बोहाइड्रेट को टोटली स्टॉप कर देंगे तो फर्स्ट में क्या होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो जमा हुआ फैट है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारा फैट ब्रेक डाउन हो रहा है। पर इसके बाद भी हम अगर टोटली कार्बोहाइड्रेट स्टॉप करते हैं तो फैट के बाद हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। तो हम नहीं चाहते हैं हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन हो, ये हमारा गोल नहीं है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट लेना है, पर उसका पोर्शन वाइज कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, या फिर आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट दीजिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बहुत ही कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में मैं बाद में डिस्कस करती हूँ डिटेल्स में, पहले मैं वेट लूजिंग के बारे में और भी थोड़ा कुछ बोल लूँ। आप कोई भी मील स्किप मत कीजिए, आपको रेगुलर मील खाना है, ये ब्लड इंसुलिन लेवल को ठीक करता है। स्वीट्स, फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड सीरियल, सैचुरेटेड फैट, ये सब आप लोगों को अवॉइड करना है और हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट से हमारा वजन भी कम होता है और ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलाड, ये सब ज़्यादा करके आपको खाना है। आपको हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा करके पानी पीना है और एक्सरसाइज करना है। ये सब करके हम हमारा वेट मेंटेन कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि PCOD का एक सिम्टम्स है वेट गेनिंग। तो नॉर्मल लोग जितनी आसानी से वेट लूज़ कर सकते हैं, जिनको PCOD है उनका वेट लूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर अगर आप सही डाइट और सही एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो आप अपना वज़न ज़रूर कम कर सकेंगे। अभी मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ये लेके डिस्कस करूँगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कितना स्लोली या फिर कितना फास्ट एब्जॉर्ब होता है। तो हमको ऐसा खाना खाना है जो स्लोली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाना है उनका एक रेटिंग होता है 0 to 100 में, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्केल बोला जाता है। इनमें से शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। तो इसका मतलब है शुगर हमारे बॉडी में सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमको वेट लॉस करना है और हम अगर ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खा रहे हैं तो हमारा बॉडी में इंसुलिन स्पाइक बढ़ जाएगा, इससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट और भी ख़राब हो जाएगा। अभी मैं कुछ खाने का नाम बोलूँगी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे ब्राउन राइस, बासमती राइस, होल व्हीट चपाती, ब्राउन ब्रेड, मिक्स सीरियल ब्रेड, स्वीट पोटेटोस, ब्राउन पास्तास, ओट्स, बार्ली, रागी, मिलेट्स एक्सेट्रा। इसमें से कोई भी खाना आप खा सकते हैं, पर उसका पोर्शन आपको कंट्रोल करके ही खाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो हम ये सब खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा सकते हैं। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ ग्लाइसेमिक लोड को भी ध्यान में रखना है। तो आपको ये सब खाना खा सकते हैं, पर वो भी पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना है। इसके मतलब आपको एक सही डाइट चार्ट मेंटेन करना है और एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंट को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करता है।
तो एक सही डाइट चार्ट और एक्सरसाइज, ये दोनों अगर हम फॉलो करें तो हम पीसीओडी के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकेंगे और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उससे भी हम निकल सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में पीसीओडी पेशेंट के लिए एक फुल डे मील प्लान विद रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ। यही वीडियो में वो भी एक साथ इंक्लूड नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा था, इसीलिए मैंने पीसीओडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैं पीसीओडी के बारे में आपसे डिस्कस किया, अभी सेकेंड पार्ट में मैं पीसीओडी के पेशेंट के लिए एक फुल डे मील प्लान विथ रेसिपी करने वाली हूँ। मैं उसका लिंक मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर पीसीओडी लेके आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर मैं कोई भी जगह बोलना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और हम लोग मिलके एक फिट हेल्दी फैमिली बना सके। So, like, share the video and subscribe my channel. Be happy and healthy. Thank you.